हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैसे करें यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स को अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सामने वायरलेस ईयरफोन्स है और साथ ही वायरलेस की कनेक्टिविटी के लिए मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप भी रखा है। अगर आपने भी मार्केट से एक न्यू ईयरफोन खरीदा है और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम इस ईयरफोन को अपने लैपटॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं साउंड के लिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वायरलेस ईयरफोन्स को लैपटॉप में कनेक्ट करके साउंड प्ले करना सिखाने वाला हूँ। ईयरफोन्स को लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक जो है ऑन ऑफ का बटन फाइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ऑन ऑफ का बटन मिल चुका है। तो इस ऑन ऑफ के बटन को आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, जिससे आपको लाइट के रूप में सिग्नल दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं मुझे ब्लू लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा ईयरफोन स्टार्ट हो चुका है। अब इस ईयरफोन के स्टार्ट होने के बाद में आपको अपने इसे गले में पहन लेना है और इसके आगे की प्रोसेस अब मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर करूँगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ईयरफोन्स को स्टार्ट कर लिया था, यानी कि ऑन कर लिया था। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, राइट साइड में नोटिफिकेशन बार में हमें यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकॉन दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो स्टार्ट बटन में जा करके एक बार आपको ब्लूटूथ लिख करके सर्च ज़रूर कर लेना है। मैं यहाँ पर ब्लूटूथ लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, जिससे ब्लूटूथ की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सो गाइस, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन बार में भी ब्लूटूथ का आइकॉन नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो आप अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो है ब्लूटूथ के ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ब्लूटूथ के ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर एड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस के बटन पर क्लिक किया। इसके बटन पर क्लिक करने से अब मेरे सामने जो है तीन ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं कि मैं किस तरीके के डिवाइस को जो है वो कनेक्ट करना चाहता हूँ, ब्लूटूथ के टाइप के या फिर वायरलेस डिस्प्ले या डॉक या फिर एवरीथिंग एज। तो मैं यहाँ पर ब्लूटूथ का टाइप का एक डिवाइस है तो मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्लूटूथ माइक कीबोर्ड पेन और ऑडियो एंड अदर काइंड ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस के बटन पर क्लिक कर दिया, जिससे यहाँ पर जो है उस डिवाइस की सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस का नाम शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है VRB900। तो सिंपली मैंने इसके बटन पर क्लिक कर दिया, जिससे कनेक्टिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों के कनेक्टेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही मुझे अपने ईयरफोन में भी कनेक्टेड का साउंड सुनाई दिया गया है, यानी कि मेरे डिवाइस में जो है वो साउंड स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है VRB900 में कनेक्टेड शो हो रहा है। अब अपने लैपटॉप में साउंड को लेकर के देख लेता हूँ ज़रा कि साउंड वर्क कर रहा है या नहीं, और अपने सॉन्ग्स को स्टार्ट किया। सो गाइस, मैं अपने ईयरफोन्स में ब्लूटूथ ईयरफोन्स में उस साउंड को सुन पा रहा हूँ। मैं भी आपको उसे सुनने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी थोड़ा सा साउंड सुना, वो साउंड मैंने आप लोगों को हमारे ही ईयरफोन्स का सुनाया था, जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा हम लोगों ने अभी कनेक्ट किए हैं। इस तरीके से आप दोस्तों अपने लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आपको ब्लूटूथ डिवाइस को डिसकनेक्ट करना है, तो सिंपली आपको वापस यहीं पर जाना है और नीचे आपको डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से आप इसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप में वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस को साउंड के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, दिस इज कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।